आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि टेम्परेचर और फेज ट्रांजिशन। तो फेज तो आप लोगों ने समझ लिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फेज हैं। फेज का डेफिनेशन कैसे होता है, आपने होमोजीनियस फेज देखा, हेट्रोजीनियस फेज देखा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज देखी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज देखी, दिन में डिफरेंस देखा। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि टेम्परेचर और फेज ट्रांजिशन यहाँ पढ़ते हैं। फेज ट्रांजिशन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले टेम्परेचर को समझते हैं कि टेम्परेचर है क्या। वो तो हम लोग थर्मोमीटर में नाप लेते हैं, इतना डिग्री चल रहा है, लेकिन है क्या टेम्परेचर। मान लीजिए आज हम बता रहे हैं कि गैस का कोई एक गैस है, उस चीज का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, या सॉलिड है उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर होता क्या, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत बेसिक है कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर 10 में से हम कोई 50% से ज्यादा ही बच्चे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बता पाएंगे कि टेम्परेचर आपका होता क्या है। इस चीज को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, आगे भी आप पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके में भी आएगा और 11-12 में, और आप यहीं से इस चीज को अच्छे से समझने लीजिए कि टेम्परेचर क्या होता है। तो ये आप तो जानते हैं कि हर जो पार्टिकल हम लोगों ने देखा कि इस तरह का जो पार्टिकल हमारा था उसका एक मोशन है, पार्टिकल मूव कर रहा है, हमेशा ही मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, देखिए वाइब्रेट कर रहा है, आपस अपने में ही ये चीज वाइब्रेट कर रही है। अब इसके पास अगर कोई चीज है तो उससे टकरा रही है, उससे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो ये एक उसका वाइब्रेशन है, उसकी एनर्जी यहाँ से उसमें एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि जो भी चीज मूवमेंट करती है उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इस बॉल में भी, इस पार्टिकल में भी है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। क्यों काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यह वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल के कारण हम बता सकते हैं कि पार्टिकल हैज एनर्जी, ठीक है। कौन सा एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट से, ठीक है। तो ये एनर्जी को ही आप आगे 11 में पढ़ेंगे, इसको एंथैल्पी भी बोलते हैं, फैंसी नेम दिया गया है एंथैल्पी। अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है तो बोल सकते हैं कि एंथैल्पी, एनर्जी की तरह आप एंथैल्पी यूज कर सकते हैं। इसका एक्स से बहुत जगह डिनोट किया जाता है एंथैल्पी को, और चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच, ये इसका मतलब स्मॉल चेंज, ये भी ग्रीक सिंबल है, इसका मतलब है स्मॉल चेंज। तो जस्ट नाम के लिए आप जान के रखिए एंथैल्पी, आपको मतलब ये एक बार सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या होता है। एनर्जी का मतलब एंथैल्पी हो गया, ठीक है। तब क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल में एनर्जी है, और ये पार्टिकल अपने आजू बाजू के पार्टिकल से इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेट कर रहा है, उसके साथ ही एनर्जी है, और ये इंटरैक्ट भी कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका गैस भी इस तरह से आपका एक एनर्जी है, वो मूव कर रहा है अपना, इधर उधर ये सब जा रहा है। तो इसी एनर्जी को हम अगर क्वांटिफाई करें कि ये एनर्जी कितना एनर्जी है, उसी चीज को आसानी से समझने के लिए टेम्परेचर बनाया गया। टेम्परेचर क्या है उस पार्टिकल में, उस एग्रीगेट पार्टिकल में। मान लीजिए कि एक बलून के अंदर तो आपको बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, एक पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारा है, और सब पार्टिकल का अपना अलग अलग एनर्जी है, ठीक है। किसी का कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, तो हर पार्टिकल का अलग अलग आपका एनर्जी है। जैसे आपके क्लास में अलग अलग बच्चे सबके के पास, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, हर बच्चे को अपना अपना नंबर है, किसी को कम नंबर है, किसी को ज्यादा नंबर है, उसका एक एवरेज नंबर आप निकाल सकते हैं। उसी तरह एक पूरे सिस्टम का, मान लीजिए पूरा बलून के अंदर जितने भी आपके पार्टिकल हैं, उसका अगर हम एवरेज एनर्जी निकालें, वो होता है टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ही टेम्परेचर है। टेम्परेचर को इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो आप समझिए टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर नापते सबको ही है, थर्मोमीटर सबको, लेकिन आप समझिए कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर क्या है, फिर से सुनिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज टेम्परेचर। अलग अलग यूनिट्स हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन, ये अलग अलग है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बहुत जरूरी नहीं है कि आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, लेकिन आप सुने होंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन, ये सब सुने होंगे। केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है, बहुत लोग गलती से लगाते हैं, केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो
अब देखिए कि गैस, तो गैस का ये पार्टिकल है, उसमें कुछ एनर्जी है, वो क्या कर रहा है कि अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ ये जो बलून का जो सरफेस है उसको हिट कर रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसी हिट करने के वजह से ये बलून आपका इस तरह से इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है। इसकी एनर्जी आप कम कर दीजिए, ये फूलना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिट कम करेगा, क्यों? टेम्परेचर कम हो गया। तो अब मेरे पास अभी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अभी नहीं है, बट हम लोग आगे जाके लैब सेटिंग्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करेंगे। मैं लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड लाने की कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए। बट ये आपका समझिए कि अगर कोई बलून है, फ्रेश बलून है, और आप उसमें अगर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं, उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो ये बलून फूलना कम कर देगा। क्यों? काइनेटिक एनर्जी उसका कम हो गया, टेम्परेचर कम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, तो उसको हीट करना कम कर दिया, तो ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। उसी चीज को अभी इस तरह से समझते हैं कि क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स थे, एवरेज का जो हम लोग बता रहे थे कि एवरेज जो होता है हर पार्टिकल का अलग अलग आपका मान लीजिए एनर्जी है। तो मान लीजिए हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बार कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ इस तरह से पढ़ते होंगे, हिस्टोग्राम पढ़ते होंगे। एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप, ये हो गया आपका मार्क्स, आपके क्लास में कितने लोगों को कितना मार्क्स आया है वो केमिस्ट्री में उसका आपको दिया गया है। तो अब ये देखिए, ये 50s में लोगों का मार्क्स है, 60s में है, इस तरह से आपको बढ़ रहा है, 100 हो गया, 90, 80, 70, 60, 50, 40. तो मान लीजिए 40 आपको 5 लड़कों को आया है, 40 आपके 10 लड़कों को आया है, स्टूडेंट्स को आया है, 60 आपको 15 स्टूडेंट्स को आया है। इसी तरह आपने मार्क किया और इस तरह से आपने इसके मिडिल पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये आपका बेल कर्व आता है ना। तो इसी आप पढ़े होंगे, हिस्टोग्राम करते हैं और उसको बेल कर्व में इसके मिड पॉइंट्स को से जोड़ देते हैं, तो ये कैसा कर्व आता है, तो उसको कर्व को कहते हैं बेल कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक 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 कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, वो मैथ्स में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सिंपल समझिए कि हाँ ठीक है। तो जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यू, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि कोई भी चीज का बहुत कम लोगों को आता है, मतलब एकदम ही बहुत कम नंबर आ गया बहुत कम लोगों को, बहुत ज्यादा नंबर किसी को आ गया, लेकिन वो भी बच्चे का मतलब मेजोरिटी क्या होता है, बीच में रहता है, बीच वाला जो मेजोरिटी, ये मेजोरिटी, इसको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बेल कर्व बोलते हैं। इसी तरह आपका जो गैस का, अगर हम हर मॉलिक्यूल, हर पार्टिकल का अगर हम उसका एनर्जी लिखें कि एनर्जी कितना हो रहा है, तो उसका भी एक बेल कर्व आएगा, है ना। अब एनर्जी क्या है, टेम्परेचर, अभी बोले आप उसका टेम्परेचर है। तो मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि नंबर ऑफ, यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये पार्टिकल्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम सारे पार्टिकल्स का इस तरह हम अगर हिस्टोग्राम बना के बेल कर्व बनाए, तो इस तरह का कुछ होता है। अब देखिए, आप सिर्फ व्हाइट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह का एक बेल कर्व आया, एकदम कम जो आपका टेम्परेचर है वो कम लोगों का है, ज्यादा टेम्परेचर कुछ लोगों का ज्यादा है टेम्परेचर, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एक एक का हम निकाल के वहां पे देखिए, इसका भैया कितना है, उस मान लीजिए उसका कम है, इसका कितना है, उसका ज्यादा है। इसी तरह से हम हर पार्टिकल का टेम्परेचर निकाल के वहां पे कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल सॉरी एनर्जी का हम वहां पे किए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब हम एवरेज इसको करेंगे, कि जब इसका एवरेज हम देखेंगे, तो बोलेंगे कि चलिए ठीक है, इस पूरे सिस्टम का जो एवरेज, जो आपका एनर्जी है, वो उस टेम्परेचर से आपका डिफाइन होगा। किसी का कम रहेगा, किसी का ज्यादा, लेकिन एवरेज जो आपका रहेगा वो इस तरह से कुछ होगा। अब मान लीजिए इस पूरे सिस्टम को आप टेम्परेचर और हीट बढ़ा दिए इस सिस्टम का, तो क्या हो गया कि अब ज्यादा लोगों का अब आगे बढ़ गया, उसका एवरेज जो टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा बढ़ गया, तो T2 आपका आगे बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे T2 आगे तभी बढ़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टेम्परेचर, पहले एवरेज क्या था, यहाँ पे था T1 और यहाँ पे था T2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, क्यों? क्योंकि एवरेज जो आपका है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के लिए आपका बढ़ गया, एवरेज जो था आपका हर पार्टिकल का जो एनर्जी था वो आपका बढ़ गया, तो ये आपका आगे शिफ्ट हो गया, है ना। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट जीरो का।
एब्सोल्यूट जीरो, ये ओके नहीं है, ये जीरो केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है जीरो केल्विन को। क्यों? अब देखिए एब्सोल्यूट जीरो में क्या बोला जाता है कि क्या होगा कि आपका अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका वाइब्रेशन कम हो जाएगा। क्यों? एनर्जी कम हो जा रही है, तो टेम्परेचर कम किए तो एनर्जी कम हो गया, ठीक है, तो आप और टेम्परेचर कम कीजिए। अभी आप लिक्विड नाइट्रोजन से कर रहे थे तो आपका मान लीजिए कि कम हो रहा था, आप उसको और ठंडा कीजिए, उसको और देर तक उसका टेम्परेचर आप निकालते रहिए। लेकिन मान लीजिए आप क्या कैसे टेम्परेचर निकालिएगा, उसको फ्रीजर में डालिएगा। फ्रीजर क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये एक बॉक्स है, ये आपका फ्रीजर है ना, इसके अंदर आपने एक बलून रखा है और आपको करना है कि इसका टेम्परेचर आप कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको पहले जीरो किए, फिर माइनस 100 किए, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, फिर आप माइनस 100 डिग्री मतलब आपका 273 केल्विन, सॉरी 273 केल्विन आपका जीरो डिग्री सी होता है, तो आप 273 केल्विन किए, फिर और कम किए, आप 250 केल्विन किए, 100 केल्विन किए, आप कम करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं, लेकिन आप जीरो डिग्री मतलब जीरो केल्विन तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये आपको उतना केपेबल ही नहीं है, और कोई भी सिस्टम केपेबल नहीं है। क्यों? जो ये जो फ्रीजर है आपका कहाँ रखा हुआ है? रूम में रखा हुआ है, तो रूम में रखा हुआ है तो क्या, रूम पे आपका कनेक्शन है इसके साथ थर्मल, आप इसको टच करवा के रखें तो क्या होगा, जैसे ही ये इधर कम करने का कोशिश करेगा इसको, तो ये फ्रीजर चाहता है कि हम फ्रीज में से ठंडा को, फ्रीज को ठंडा करें, तो आप हीट निकाल दीजिए, तो रूम में हीट निकाला, लेकिन रूम क्या करेगा कि रूम आपको पूरा ठंडा नहीं होने देता है इसको, तो हीट क्या होता है फिर अंदर से फिर बाहर से अंदर भी आने लगती है। तो सिर्फ जो ये वन वे ट्रैफिक है ऐसा नहीं रहता है, एक लिमिट के बाद आप हीट बाहर से अंदर भी आने लगती है, इसीलिए क्योंकि आपका रूम जो है वो अर्थ पे है, अर्थ रूम आपका एक बिल्डिंग में है, मान लीजिए बिल्डिंग अर्थ से सटी हुई है, तो कनेक्शन आपको जो थर्मल जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो तो आपका मेंटेन हो रहा है हर जगह में, तो कॉन्टैक्ट होने की वजह से आपको ये वन वे हीट नहीं निकल सकता, वो अंदर जाएगा ही नहीं निकल सकता, ये हर किसी के कॉन्टैक्ट में तो आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप सिस्टम को आइसोलेट नहीं कर पा रहे, वो हमेशा ही किसी के साथ टच में है, वो कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में जब तक रहेगा आपका हीट तो ट्रांसफर होते ही रहेगा। जैसे आप मान लीजिए कॉफ़ी है, मान लीजिए अगर ये आपका ठंडा है, तो जब ठंडा है आप इसको और ठंडा करने का कोशिश कर रहे हैं एक फ्रीजर में रख के, लेकिन क्या हो रहा है कि सिंस ये जो कॉफ़ी फ्रीज के साथ कनेक्टेड है फ्रीजर और इसके बाहर से, इसमें आपका हीट चला जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट रहने से ही आप हीट इधर उधर होता ही है, आप कंप्लीटली आइसोलेट नहीं कर पाइएगा किसी भी सिस्टम को, और उसी लिए आप जीरो केल्विन कभी नहीं जा पाइएगा। थियोरेटिकल बात है जीरो केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूटली आप कभी उस पे नहीं पहुंच पाइएगा, तो यही होता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपका आइसोलेट नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको कभी भी आप एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। व्हाई इज इट इम्पॉसिबल? बिकॉज कंप्लीट आइसोलेशन इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाई वी विल नेवर गेट एब्सोल्यूट जीरो। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और थियोरेटिकली अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाते हैं तो ये कोई काम करना ही बंद, मतलब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं करेगा। पहले क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम करने जा रहा है, कम हो रही थी कम हो रही थी कम हो रही थी कम हो रही, यहाँ पे जाके कुछ एनर्जी नहीं जाएगा, एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है।